पियो जी, ये इसने लूटा हमारा माल। आए, इतनी सी साइज और इतनी बड़ी चालान। छोटे साइज की चीज ही बड़े बड़े काम करती है। आए, ए, क्या बोला, क्या बोला तू? मैं तो इस मच्छर की बात कर रहा था। साले तू हमारा माल लूट के हमें से चंद्रा रहा है साला। मैंने माल लूटा नहीं है, पर मार के हाथों लूटने से बचाया है। है? आपका माल एकदम सेफ है, आप ही के घर के पीछे पड़ा है। बोल, क्या चाहिए तुझको? आइडिया तो ये है कि आप मेरे को अपने साथ काम पे रख लो। अच्छा लगा तेरा आइडिया। साले तेरे। नाम क्या तेरा? राजकुमार, रोमियो राजकुमार। ए मजनू, देख इस रोमियो में कितना दम है। ये साला रख ले इसे। चल। साले तू अपने काम के लिए हमारी वाट लगा रहा ना, तू अब देख मैं क्या हाल करता हूँ तेरा। ए सांड, साले तू चड्डी नहीं पहनता है क्या? सांड कभी चड्डी पहनता है क्या? चबाट। ए ए ए पागल। हे 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 पागल। तेरी माँ की आँख अंधा है तू? हे हे मेरी माँ की आँख अंधा हूँ मैं। डिक्की पे चप्पल से मारूंगी। डिक्की पे चप्पल से मार आना। हे हे तेरी ऐसी की तैसी कमीने जाता है कि धोएं। इडियट। अच्छा तेरे हिसाब से कौन सा बड़ा? छे चमड़ी। मैं पूछ रहा हूँ प्यार और दोस्ती के बीच में क्या बड़ा होता है? हाँ हाँ दोस्ती। क्यों? अबे प्यार तो नशे की तरह है, बार बार नशे में रहने के लिए कोकेन की जरूरत पड़ती है। लेकिन दोस्ती अगर एक बार हो जाए हमेशा साथ देती है। लेकिन मैं प्यार का कोकेन कैसे चखूं? मुझे तो मेरी लॉलीपॉप का पता भी नहीं पता है। क्या हुआ? तेरे प्यार में वापस पिटने का टाइम आ गया और क्या? ऐसे थोड़ी होता है। ऐसा ही हो रहा है। भागू भाग मिल का भाग। हमारी सभा को भंग कर रहे हैं। चला दो। लेकिन बाहर निकलने में फटके हाथ में आने वाली है आज तो। कोई है? ऐसा बचाने तो आ गया लेकिन मुझे कौन बचाएगा? मैंने तो अब तक ठीक से दुनिया भी नहीं देखी है। कोई है? कोई है? अरे कोई है क्या? इस मुर्दा को बचाने के लिए मैं मरने के लिए आया। पानी, 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 आइस वाटर। इधर सब जगह आग लगी हुई।
और तुझे आइस वाटर चाहिए? बताओ जल्दी। Creeper. Oh, house is burning. Dino, jaldi kar. Yes, slow motion, Dino. Ab chal. Hey, mujhe mat le ja bahar. 50 saal se meri biwi ne zindagi ko nark bana rakha hai. मुझे मत ले जाओ उसके पास। छोड़ दे बेटा, छोड़ दे। मरना है तो बाहर जाके मर, समझा? अरे रहने दे बेटा, मेरी बीवी मुझे खा जाएगी। बचाओ। अरे देखो, ले जाओ मुझे उस चुड़ैल के पास, मत ले जाओ। अरे मान जा बेटा मुझे। इतने सारे लोग हैं यहाँ पर, बहादुरी सिर्फ तुमने दिखाई। तुम ही असली हीरो हो। क्या मैं तुमसे हाथ मिला सकती हूँ? अच्छा हीरो, मैं चलती हूँ। अरे कहाँ बता दिया? तूने देखा मेरी लॉलीपॉप ने मुझसे हाथ मिलाया? अबे साले तू है कौन? ए, मैं राजकुमार। वो देख बीमार। वाह, इतने सारे लोग हैं यहाँ पर, बहादुरी सिर्फ तुमने दिखाई। तुम ही असली हीरो हो। क्या मैं तुमसे हाथ मिला सकती हूँ? इसका मतलब चंदा ने मुझे पहचाने बिना ही थैंक यू बोला। मतलब इस बुद्धे को बचाने का कोई फायदा नहीं हुआ क्या? इतने सारे लोग हैं, अंदर घुसेंगे कैसे? सांड तू ऐसे क्या देख रहा है भाई? मुझे इसकी नीयत ठीक नहीं लग रही। राजकुमार चल। हम भी चूड़ियां पहन के नहीं बैठे हैं। अरे ऐसी धमकियां हम हजार बार सुन चुके हैं। 50 गांव के लोग साथ हैं। अरे शिवराज चीज क्या है? इस धंधे में हम उसके बाप लगते हैं, बाप। गिल्लाटी। माफी सर जी। चाचा जी आपने बुलाया? बेटे तुमने खाना खाया? नहीं, नहा कर खा लूंगी। खा लेना टाइम से। हाँ इसे कैसे मार सकते हैं? भैया जी, ये लो तू बात कर। सारा चुप उल्लू का पट्टा। हेलो। परमार को मारने के लिए ये समय उचित नहीं है, समझे? वापस आ जाओ। कल भैया जी तुमसे बात करेंगे। भैया जी ने परमार को मारने का प्लान कैंसिल कर दिया। ये है मेरे प्यार का पावर। चंदा और राजकुमार आपस में फोन पर बतिया रहे थे। मुझे इम्प्रेस करने वाले को एक अच्छा डांसर होना चाहिए। उसे इंग्लिश में बात करने आती हो, इंग्लिश में पोएट्री पढ़ने आती हो, वो मॉडर्न कपड़े पहने, स्टाइल होना चाहिए उसमें। अगर किसी ने ये सब कर दिखाया ना, समझ लो मैं उसकी हो गई।
चंदा, अब तो बीओजी डालेंगे तेरे दिल पे फंदा। ओ, ओ! बीओजी, ये रहे मास्टर, ये आपको ऐसी अंग्रेजी सिखाएंगे कि चंदा आप चांदनी बन जाएगी। गुड मॉर्निंग सर। बैठिए, शुरू करें। ये किसको बोला? वो वाला ए नहीं बीओजी, ए फॉर एप्पल वाला ए। अरे रे रे रे, मास्टर जी, ये सब तो इनको आता है, चार जमात पढ़े हैं। इतनी अंग्रेजी तो हम भी जानते हैं, थोड़ा बोलने में हाथ तंग है मास्टर। क्या बोला? बास्टर्ड मतलब बड़ा स्टर्ड, वो मर्द जो गांव की एक भी लड़की को ना छोड़े। तब तो हमारे भियोजी बहुत बड़े बास्टर्ड हैं। अरे मास्टर जी, तुम सबसे पहले इनको अंग्रेजी में शेर व शायरी सिखाओ। इनको तो एक साल लगेगा ना, एक महीना, एक दिन, एक घंटा। बुलशिट मतलब? बुलशिट शायरी का शीर्षक है, बुलशिट। तो अपनी बुलशिट शायरी इनको सुनाओ ना। लड़का लड़की से कहता है, ओहो, लड़का लड़की से कहता है कि आई एम योर बुल एंड यू आर द शिट। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इफ वी कम टुगेदर वी बिकम बुलशिट। शायरी थोड़ी बदबूदार है लेकिन अच्छी है। आप बोलिए ना। हाँ बोलिए बेजी। यू आर माई बुल। बुल नहीं, बुल। आई एम योर बुल, यू आर माई सीट। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वी टूगेदर बुल सीट। आई एम योर बुल, यू आर माई सीट। वी टूगेदर बुल सीट। सब लोग तोड़-फोड़ उछल-कूद डांस है, कीजिए भियो जी कीजिए। ये सब नहीं चलेगा। प्रभु देवा है ना, जितना वो डांस करता उतना सिखा दे, काम चलाएंगे। ऐसा डांस तो भियो जी 10 जन्म में भी नहीं कर सकते। मैं जानता हूँ डांस बाबू तुम क्या सोच रहे हो, मैं भी वही सोच रहा हूँ, लेकिन अगर जिंदगी में आगे डांस करना चाहते हो तो भियो जी को डांस सिखा दो। शुरू। अरे ये सॉन्ग है, इस डांस के लिए तो साथ में एक लड़की चाहिए। मुझे बुलाया भियो जी। आ गई छिछोरी। लड़खड़ाने लगी, मुस्कुराने लगी, बेवजह हर जगह आने जाने लगी। बहुत शैतान हो भैया जी, मुझ पर जान बुझ कर गिर गया ना। इस घर की औरत से जल्दी दूर हटिए भैया जी। राजकुमार मार रहे हैं, मेरे तुम्हें हाथ भी नहीं उठाया। डर मत, पी ले। मैं सोच रहा हूँ ये मार धाड़ खून खराबा सब बेकार है, चंदा के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ भी नहीं। लेकिन अगर उसने शिवराज से शादी कर ली तो राज करेगी, और चंदा की खुशी से बढ़कर मेरे लिए इस दुनिया में कुछ भी नहीं। तू तो मजनू है, मजनू का बाप है। अरे क्या कर रहे हो चतुर सिंह जी, अपने से छोटों के पाँव नहीं पड़ते, गले लगते। आओ खुश रहे
तू सदा ये दुआ है मेरी रड़राड़ा। क्या है? राजकुमार ने दिया ये कह के जब मैं ये ताजमहल आपको दूंगा तो आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे और मैं आंसू देख नहीं सकता। उसने कहा आप उसको भूल जाओ और सूरज से शादी कर लो। उसने ये आखिरी तोहफा दिया है। आइए आइए देखिए देखिए ये देख। साहब जी सभी भाग सको। अरे साहब जी मुझे क्यों मारो? मेरी गलती तो बताओ। ये देखो इस गधे की बात का यकीन मत करना गधा। दशहरे के दिन हमारी शादी पक्की। जकेरे मारो मारो गधा में मारो। हाँ तुम जकेरे मार। हाँ मैं गधे इस तबार लग रहा है। मर साले को चलो मर साला। आजा तू भी आजा मारो तबला मारो तू मेरा।